अच्छा स्वामी जी, देखिए मौसम जो है धीरे धीरे सर्द हो रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी तो हो ही रही, वो आप भी देख रहे हैं, और इसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ी है, और इस सर्दी में ठंडी हवाएं जो हैं वो आंखों की नमी सोख लेती हैं, और इससे आंखों में ड्राइनेस, ईचिंग की शिकायत। तो क्या उपाय है जिससे ड्राइनेस की दिक्कत आंखों की खत्म हो, क्योंकि ड्राइनेस पहली वो सीढ़ी है जिसकी वजह से आंखों की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो देखो, एक तो आजकल हमने दंड लगाओ ठंड भगाओ का कार्यक्रम शुरू कर रखा है, ऐसे 10-20 बार रोज किया करें, ऐसे भी और ऐसे भी, ये ऐसे ऐसे, और इतना भी ना हो तो हम कहते इतना ही कर लो। तो आंखों में ड्राइनेस ना आए इसके लिए 100 में, और अभी जैसे मैंने काजल बताया ना, ऐसे ही हमने ये आईग्रिट भी बना रखी है। आईग्रिट या सोम में आंख में ऐसे डालिए, लगती भी नहीं है, और या गुलाब जल। अच्छा स्वामी जी, अगर किसी ने ड्राइनेस को, जबरदस्त है, अभी मैंने डाली थी स्वामी जी, अगर कोई ड्राइनेस को लगातार नजरअंदाज कर रहा है तो फिर आगे क्या परेशानी होगी उसको? फिर उसको डिप्लोपिया, और फिर उसको कैटरेक्ट ग्लूकोमा, फिर आंखों में आंसू न बनना, बहुत तरह की दिक्कतें, उसको मायोपिया, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा, अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं ना, ये सबसे बेस्ट है आंखों के लिए, सबसे बेस्ट है आंखों के लिए अनुलोम विलोम, और ये पॉइंट दबाना। फिर देखो ये दोनों हाथों में, ये अब देखो छोटे छोटे 5 उपाय। एक तो गाय का घी खाना, भैंस को नीचे कर दिया हमने, गाय को ऊपर कर दिया, ये भैंस का घी है, ये गाय का घी है, भैंस आंटी है, गाय माता जी है। तो गाय का घी 1 चम्मच जरूर खाएं, आंखों में भी ड्राइनेस नहीं रहेगी, और महात्रिफला घृत खा लें तो साहब कमाल की बात होगी। ये महात्रिफला घृत है, ये गाय के घी में औषधियां सिद्ध करके डाल, गाय का घी खाएं या महात्रिफला घृत खाएं 1 चम्मच, आंखों में और पूरी बॉडी में ड्राइनेस नहीं आएगी, स्किन में नहीं, तो बहुतों की स्किन भी ड्राई हो जाती है सर्दियों में, फिर बॉडी लोशन लगाते हैं तो बॉडी लोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वैसे फिर तो एलोवेरा एलोकांति बेस्ट है, ये दोनों स्वामी जी एक बार फिर से कहिए, दोनों पैरों में ऐसी ये, फिर फिर जो है ये अनुलोम विलोम 5 मिनट कर ले, ड्राइनेस नहीं आएगी। और आंवला आजकल बहुत मिलता है, आंवले की चटनी, गुड़ मिला के, मधुरम मिला के, मीठी चटनी, ये तो थोड़ी नमकीन चटनी बना रहे, और आंवले में थोड़ा सेंधा नमक डालो, थोड़ा धनिया पुदीना डाल दो, टमाटर डाल दो, इतनी बेस्ट चटनी बनती है, आंवले की चटनी खाओ, आंखों में ड्राइनेस नहीं आएगी, मायोपिया, डबल विजन, कलर विजन, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नज़र की कमजोरी, आंखों पर मोटे मोटे चश्मा, और फिर कैसे कैसे लोग चढ़ाते हैं बहुतों ने अपने चश्मे उतार लिए कि हमको कोई चश्मुद्दीन ना कह दे आंखों में मोटा मोटा चश्मा आ जाता ना किसी को भी, पहले बोलते थे शादी होने के बाद, अभी तो तेरी 4-4 आंख होगी ना तब पता लगेगा, तो आजकल तो वैसे ही छोटे छोटे बच्चों की 4-4 आंख हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत आती है तो हम लीच भी कराते हैं, ये अक्षय तर्पण तो मैंने बताया ही था आपको, अक्षय तर्पण, जल नेति, सूत्र नेति, ये रोज किया करें। और देखो अणु तेल से नस्य करने पर, या गाय के घी से, बादाम रोगन से नस्य करने पर आँख भी अच्छी रहती है, नाक भी अच्छा रहता है, और गला भी अच्छा रहता है। मैं भी आज सुबह सुबह बादाम रोगन और अणु तेल डाल के आया, सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो 365 दिन ठीक रहना है। हाँ, आँख नाक कान गला अच्छा, नस्य करो, कर्णपूर करो